हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप क्यों हुई है, क्या वजह है इसके लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के, क्या यह बायकॉट के कारण हुई है या इसकी कोई अन्य वजह भी है। आज हम बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा के ऊपर। जैसे कि आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा 4 साल बाद थिएटर में 11 अगस्त को लग चुकी है। फिल्म को अपने रिलीज से पहले काफ़ी विवादों का सामना करना पड़ा, इसके खिलाफ काफ़ी हेट कैंपेन चलाए गए। अब हम देखते हैं कि इसका क्या हुआ टोटल कलेक्शन, क्या वजह है इसके फ्लॉप होने की। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि इसने डे वन पर 11 करोड़, डे टू पे 7.26 करोड़, डे थ्री पे 9 करोड़, डे फोर पे 10 करोड़, डे फाइव पे 7.87 करोड़, डे सिक्स पे 3 करोड़ ये कमा सकती है, और इसका यहाँ मिला के टोटल हो गया है 48 करोड़। पर जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि इसके खिलाफ बायकॉट ट्रेंड चल रहा है, और लाल सिंह चड्ढा अपने 6 दिनों में 48 करोड़, यहाँ पे मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने डे वन पर 52 करोड़ कमाए थे, लेकिन यहाँ लाल सिंह चड्ढा डे सिक्स पर 48 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ आमिर खान की कितनी बड़ी फ्लॉप मूवी है, यहाँ बॉलीवुड के लिए कितना बड़ा झटका है। जैसे कि अब हम लाल सिंह चड्ढा का बजट देखते हैं, तो इसका बजट है 180 करोड़ और इसने अभी तक कमाए हैं 48 करोड़। अब हम देखते हैं कि इसके फ्लॉप होने की क्या वजह है, इससे कौन कौन से विवाद जुड़े हुए हैं, क्या क्या कारण हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे मीडिया में, अब ऐसा बताया जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने से आमिर खान सदमे में आ गए हैं, क्योंकि उनके जो लाल सिंह चड्ढा के प्रोड्यूसर हैं वो खुद आमिर खान हैं, और वहाँ फ्लॉप हो चुके हैं, वहाँ उनकी मूवी फ्लॉप हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो थिएटर के मालिक है, वहाँ पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं आमिर खान से, उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आमिर खान करे, ये सी वो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं आमिर खान से। जैसे कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा से एक और विवाद सामने आया है। दरअसल दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने इस फिल्म के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। वकील ने रिपोर्ट के मुताबिक अपनी शिकायत में कहा है कि इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जिससे इंडियन आर्मी और हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुँचाया जाए, साथ ही में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की गई है। तथा विनीत जिंदल ने धारा 153, 153A और 298 और 505 के अंतर्गत FIR दर्ज की है। अब हम बात करेंगे कि आमिर खान ने सेना का अपमान किस तरीके से किया। फिल्म के खिलाफ शिकायत में क्या कहा गया है, क्या विनीत जिंदल द्वारा क्या कहा गया, क्या बताया गया कि आमिर खान ने किस तरीके से सेना का अपमान किया है। फिल्म में आमिर खान एक पागल का किरदार निभा रहे हैं, उसका IQ कम है, तो कम IQ वाले को इंडियन आर्मी में भर्ती ही नहीं हो सकता। इंडियन आर्मी की कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है जिसमें कम IQ वाले को भर्ती करे, लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि कम IQ वाला व्यक्ति आर्मी में भर्ती होता है और वहाँ कारगिल की लड़ाई में भाग भी लेता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी अपने सैनिकों का चुनाव बड़े समझदारी से करती है, उनका टेस्ट लेके करती है। इंडियन आर्मी में सेज में ऐसे कोई भर्ती नहीं हो सकता है, लेकिन फिल्म में एक मानसिक विकलांग व्यक्ति को आर्मी में भर्ती करा है, और आर्मी में भर्ती करने के साथ साथ वो कारगिल का युद्ध भी लड़ रहा है। इस तरीके से उन्होंने बताया है कि यहाँ सेना का अपमान है। एक सीन है कारगिल युद्ध की जिसपे भी आपत्ति जताई गई है, जिस सीन में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को आमिर खान का जो कैरेक्टर है लाल सिंह चड्ढा वहाँ अपने कंधे पर उठा कर ले आता है, एक पाकिस्तानी कैरेक्टर को अपने कंधे पर उठा कर ले आता है, तथा जो ओरिजिनल मूवी फॉरेस्ट गम है उसमें वहाँ अपने सीनियर को ही उठा कर लाता है, तथा यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को उठा कर लाया, तो इससे यहाँ पाकिस्तान प्रेम व्यक्त करना चाह रहे हैं, इससे उनका आमिर खान का पाकिस्तान प्रेम व्यक्त होता है। तथा एक और सीन है, तथा फिल्म में एक सीन है जहाँ पर एक पाकिस्तानी सैनिक आमिर के किरदार लाल सिंह चड्ढा से कहता है, मैं नमाज करके प्रार्थना करता हूँ, लाल तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते। इसके जवाब में लाल सिंह चड्ढा कहता है, मेरी माँ ने कहा था सारे पूजा पाठ मलेरिया है और इसी कारण दंगे होते हैं।
अब इसे लेकर भी शिकायत की जा रही है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाया गया है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्होंने पूजा पाठ को मलेरिया से जोड़कर बताया है, तथा एक पाकिस्तानी व्यक्ति को इंडिया में लाकर उसके साथ व्यापार करके, तथा उसमें फिल्म में बताया गया कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इससे यह बात साबित होती है कि बॉलीवुड का पाकिस्तानी प्रेम कभी कम नहीं होगा, तथा आज फिल्म की यह हालत हो चुकी है कि इसने अपने Day 6 पर 48 करोड़ यहाँ 50 करोड़ का आंकड़े भी पार नहीं कर सकी है, तथा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने Day 1 पर 52 करोड़ कमाए थे और यहाँ Day 6 पर 48 करोड़ ही कमाकर सिमट गई है, तथा इसका बजट 180 करोड़ है, तथा इससे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनको भारी नुकसान हुआ है, थिएटर के मालिकों को उनको भारी नुकसान हुआ है, तथा उन्होंने डिमांड करी है कि आमिर खान हमारे पैसे वापस करो। हमारे आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।